ऐसा है कि मकान है, जैसे एक अंधा व्यक्ति चले वो बेचारा कैसे चलेगा, क्योंकि उसके सामने जगत में अंधकार होता है। आगे कृष्ण कह रहे हैं, वह उन वस्तुओं को उत्पन्न नहीं करता जिन्हें मनुष्य अपने समक्ष देखते हैं, क्योंकि वे तो पहले से ही वहीं पर थी, वो पहले से वहां थी। अब कृष्ण भक्ति के बारे में बोल रहे हैं, ये हमारे काम की बात है। कृष्ण कह रहे हैं, इसी तरह मेरी शक्तिशाली तथा यथार्थ अनुभूति, मेरी क्या क्या शक्तिशाली तथा यथार्थ अनुभूति, इसका मतलब है कि हमें अनुभूति तो है, क्योंकि हम सब भारतीय हैं, भारत में इतना तो लोग मानते हैं कि भी भगवान है, है ना, लेकिन थोड़ी कमजोर अनुभूति होने के कारण हम सही रूप में उन सुखों को दुखों को देख नहीं पाते हैं। क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है, ये इसमें किसी पड़ोसी ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, ऑफिस में बॉस मुझे क्यों हरासमेंट करता रहता है, इस तरह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो आ रही हैं वो उनको यथार्थ रूप में नहीं देख पाता है ना। लेकिन कृष्ण कह रहे हैं, मेरी शक्तिशाली तथा यथार्थ अनुभूति मनुष्य की असली चेतना को, क्या कहा कृष्ण ने, अगर मेरी शक्तिशाली अनुभूति हो जाए संसार को कि मैं हूं, क्योंकि भगवान है या नहीं है, आप में से कौन मानता है कि भगवान है, सब लोग मानते हैं। देखिए यहाँ पर क्योंकि प्रभुपाद जी ने यही कहा अमेरिका में जाकर के, प्रभुपाद जी बोले भारत के लोगों के हृदय थोड़े से धूल से ढके हैं, अगर थोड़ा कपड़ा मारो तो साफ हो जाएंगे, बट यू अमेरिकन्स यू आर जस्ट लाइक ए, किसके लिए बराबर बताया प्रभुपाद ने, कोयले के समान है तुम्हारा हृदय, जितना रगड़ रहा हूं उतनी कलस निकल कर आ रही है। भारत के लोगों के हृदय एकदम डायमंड की तरह से हैं, थोड़ा सा धूल जमी है। तो भगवान की अनुभूति, अगर हम मानते हैं कि भगवान है, है ना, तो साथ साथ हमें क्या करना है, उनकी अनुभूति को थोड़ी शक्तिशाली बनाना है। ये कृष्ण बोल रहे हैं, मेरी शक्तिशाली तथा यथार्थ अनुभूति मनुष्य की असली चेतना को ढकने वाले अंधकार को नष्ट कर देगी। भगवान कह रहे हैं कि जैसे अंधेरा है तो व्यक्ति नहीं देख पाता, इसी तरह से जिन लोगों को मेरी शक्तिशाली अनुभूति नहीं होती है, उद्धव शक्तिशाली अनुभूति क्या होता है, ऐसे में उनकी चेतना को, जो उनकी सोच है, जिस चेतना से वो सोचते हैं, उसमें अंधकार फैला देती है और व्यक्ति दुखी रहता है, ये नहीं जान पाता मैं कष्ट क्यों है मेरे जीवन में, इतने सारे दुख क्यों है, ऐसा ऐसी पत्नी मुझे क्यों मिली, कई बार लोग सोचते हैं, कई बार माताएं सोचती है ऐसा पति मुझे क्यों मिला, कई बार सोचते हैं लोग ऐसी संतान क्यों मिली, ऐसी संतान से ना होती तो अच्छा था, कई बार होता है ना, ऐसा ऑफिस मुझे क्यों मिला, वो मेरे दोस्त देखिए उनकी जॉब इतनी सुंदर है ना, इसके पीछे क्या है मैजिक। तो आज का विषय क्या है, कृष्ण भावनामृत एक जादू अर्थात गजब का जादू, जो ये अंधकार को प्रकट कर सकता है जो अभी हमारी चेतना में ढके हुए हैं। लोग दुखी हैं बहुत ज्यादा, जिसको पूछो कोई दुख है आपको तो 100-110% लोग कहेंगे हाँ, लेकिन दुख की वैरायटी अलग अलग होती है, किसी को किसी प्रकार का दुख होता है, किसी को किसी प्रकार का दुख होता है, लेकिन सबका सोल्यूशन एक है और वो क्या है, कृष्णा। अगर कृष्ण के संपर्क में कोई आ जाए, यहां भगवान यही बोल रहे हैं उद्धव को, हे उद्धव उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मेरी अनुभूति शक्तिशाली होनी चाहिए, अगर आप मुझे अनुभव कर गए, मुझे पहचान गए, मुझे जान गए किस प्रकार से मैं संसार में आता हूं और मैं क्या कहता हूं, उस आदेश का पालन किया तो कोई भी संसार की ऐसी समस्या नहीं जिसका सॉल्यूशन ना हो भगवान के पास। ये अद्भुत मैजिक है भगवान के भक्ति का। लेकिन लोग भारत में, क्योंकि आजकल थोड़ा सा क्या है कि मेटलिस्टिक हो गए हैं, विदेशी लोगों का ज्यादा प्रभाव ले लिया है भारत के लोगों ने, तो वो सोचते हैं कि भगवान तो कुछ है नहीं। क्योंकि एक बार अमेरिका में क्या हुआ कि किसी को नोबल पुरस्कार मिला, तो उस समय प्रभुपाद जी अमेरिका में ही थे, तो भक्तों ने आकर बताया प्रभुपाद एक व्यक्ति को नोबल पुरस्कार मिला है,
तो प्रभुपाद ने उनसे पूछा कि उससे पूछो कि भगवान के विषय में क्या सोचता है वो व्यक्ति। उस व्यक्ति का इंटरव्यू लिया गया तो उसने कहा देयर इज नो गॉड, भगवान वगैरह कुछ नहीं है। तो प्रभुपाद जी ने क्या कहा कि उसको नोबल पुरस्कार नहीं, उसको कौन सा पुरस्कार दो, नो एबल पुरस्कार दो उसे, वो व्यक्ति किसी योग्य नहीं है, किसने दे दिया उसको नोबल पुरस्कार। तो ये है कृष्ण भावनामृत का अनुभव। अर्थात क्या है ऐसा कृष्ण भक्ति के अंदर जो कि हम रियलाइजेशन करें, क्या है कृष्ण के वाणी, क्या है कृष्ण की सोच, क्या है कृष्ण का संदेश, कैसे हम अपने आप को इन सब से दूर कर सकते हैं, इसकी चर्चा आज हम करेंगे। आप कृपा करके अपने मोबाइल्स और बच्चे सब साइलेंट से ध्यान से सुनिएगा, ये मैंने बहुत ही सुंदर विषय बनाया है। इस विषय का नाम है मैजिक ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस, कृष्ण भक्ति का जादू अगर चल जाए। देखिए इसकी शुरुआत यहाँ से होती है, आपने कभी कभी सर्प को देखा होगा और सपेरे को देखा होगा, है ना। सपेरा जब बीन बजाता है तो क्या करता है, अगर कहीं बिल में छिपे हुए सांप हों तो वहाँ से अपने आप चल चल करके उसके पास आ जाते हैं और उसकी जो धुनि आ रही है उस पर वो मोहित हो जाते हैं, अपने आप खींचे चले आते हैं। इसी प्रकार से जो कृष्ण ने यहाँ कहा कि हमारी जो चेतना है अभी वो सुप्त है, जैसे कृष्ण ने कहा कि सूर्य प्रकट नहीं करता केवल अंधकार हटाता है, इसी प्रकार से हमारे हृदय में, क्योंकि हमारा शरीर किस किस से बना है, शरीर किस किस से बना है कौन बताएगा, पांच तत्वों से, कौन कौन से, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, और हमारा जो सोल है आत्मा है वो किस किस वस्तु से बना है, मन बुद्धि अहंकार। और ये जो प्रोडक्ट है ये संसार में नहीं मिलता, अगर आप कहो ना कि ये प्रोडक्ट किसी शॉप पे मिलेगा क्या, बहुत बड़ी इंडस्ट्री हो, चाहे टाटा अंबानी की हो, किसी की भी हो, अडानी की हो, कोई प्रोडक्शन नहीं कर सकता अपनी फैक्ट्री में इसका। कौन कौन सा है प्रोडक्शन, सत्य, हम हमेशा से हैं, हमारा कभी जन्म नहीं हुआ, हम जो बर्थडे मनाते हैं वो केवल ही संसार में जब जन्म लिए वो वाला बर्थडे मनाते हैं, लेकिन आत्मा का कभी जन्म का इतिहास नहीं मिलता। अर्थात आत्मा मतलब हम, हमारे जन्म का कोई इतिहास नहीं है, इसका मतलब है क्या है, हम सत्य हैं, शाश्वत हैं, ना हमारा कभी जन्म हुआ है और ना हमारी कभी मृत्यु होगी। ये गीता का संदेश है, क्या है श्लोक, प्रसिद्ध श्लोक है, देहिनो अस्मिन् यथा देहे कुमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीर सतद्रनम मुह्यते। हे अर्जुन, देहिनो अस्मिन् यथा देहे, जिस प्रकार से जब व्यक्ति कुमार अवस्था में होता है, जैसे छोटा बच्चा, देहिनो अस्मिन् यथा देहे कुमारम यौवनम जवान, जरा बुढ़ापा और देहांत और फिर प्राप्ति, तो एक चीज कॉमन रहती है हमारी, वो क्या है, आत्मा। छोटा बच्चा है उसमें भी आत्मा उसी प्रकार से जवान है, चुस्त है, उसी शेप में है, बुढ़ापे में भी, जवानी में भी, शरीर छूटने पर भी, दूसरा शरीर मिलने पर भी, तो कॉमन फैक्टर क्या है, आत्मा। तो कृष्ण ये कह रहे हैं कि पहला ये सिद्धांत जीव ये समझे कि हम क्या हैं, एक सोल हैं, शाश्वत है, सत्य है, ये हमारा प्रोडक्शन है जो इस संसार में नहीं मिलता। दूसरा क्या है, चित्त, ये चेतना हमारी ढकी हुई है, इसलिए आपको अनुभव होगा अगर आप किसी को बोल दो ना बेवकूफ, यू इडियट, तो उसको बहुत बुरा लगता है, क्योंकि हम इडियट नहीं हैं, हम मूर्ख नहीं हैं, ज्ञान से भरे हुए हैं। चित्त, चित्त का मतलब है फुल्ली नॉलेज, हमारे अंदर पूरा डाउनलोडेड किया है भगवान ने पूरा ज्ञान। लेकिन फिर बच्चे पढ़ने क्यों जाते हैं स्कूल कॉलेज में, क्योंकि चेतना सुप्त है हमारी। और यही कृष्ण कह रहे हैं कि जैसे अंधकार हटा देता है सूर्य, मेरी अनुभूति, मेरी जो भक्ति है उसको जागृत कर देती है। जैसे अमेरिका में हुआ ऐसा, एक माता जी थी, प्रेग्नेंस थी, तो हरे कृष्णा के भक्तों के संपर्क में आ गई, तो माता जी ने मंदिर में पूछा कि प्रभु जी मुझे क्या करना चाहिए, अभी मैं प्रेग्नेंसी है तो मैं चाहती हूँ हमारा बच्चा अच्छा पैदा हो, अच्छा दिव्य, उसकी नॉलेज बहुत फास्ट हो।
तो किसी भक्त ने उसे कहा कि रोज एक भगवद गीता का अध्याय पाठ किया करो, ये 9 महीने जब तक गर्भ में है। माताजी को कन्विंस किया, जैसे अभिमन्यु को देखो, अभिमन्यु जब गर्भ में था तो अर्जुन ने चक्रव्यूह में प्रवेश करना सिखाया और सुभद्रा सुन रही थी, लेकिन सुभद्रा को नींद आ गई और अभिमन्यु चक्रव्यूह में प्रवेश करना तो सीख गया और निकलना नहीं सीख पाया। ऐसे ही प्रहलाद भक्त 5 साल का जब हुआ तो सब कुछ इतनी भक्ति दिखाई, क्योंकि गर्भ में कयादु के गर्भ में थे प्रहलाद और नारद जी उन्हें भक्ति सिखा रहे थे, कयादु को, उनकी माता को, सब भक्ति सीख गए। और हिरण्यकश्यपु बड़ा आश्चर्य होता था, कौन है जिसने तुम्हें भक्ति सिखा दी, कहाँ सीखी तुमने? वो गर्भ में सीख के आ गया। तो माता जी को अमेरिका में बताया, अगर आप गर्भ में बच्चा है और आप भगवद गीता के पाठ करोगे तो आपका जो बच्चा पैदा होगा बहुत ही फास्ट माइंडेड होगा। उस माताजी ने यही किया और जब बच्चा पैदा हुआ और जब बच्चे की उम्र हुई कितनी, लगभग 12-13 साल, उसने एग्जाम्स देने शुरू किए। स्कूल में नहीं गया, माताजी ने होम स्कूलिंग की और होम स्कूलिंग करने मात्र से जो एग्जाम दिलाते थे, फर्स्ट नंबर, अर्थात 12 साल की उम्र में जितने भी अमेरिका के कंपटीशन एग्जाम्स होते हो सकते थे सारे पास किए। और उसका नाम है रवि गुप्ता। वो कभी कभी प्रभु जी आते भी हैं हमारे यहाँ, अभी कुछ महीने पहले आए थे, जिनका वो बेटा था। तो ये मैजिक है, देखिए इसका मतलब है, ऐसा नहीं कि केवल जो ज्यादा पढ़ा लिखा है उसके अंदर ज्ञान है, सबके अंदर लबालब भरा हुआ है, पूरी मेमोरी डाउनलोड की है भगवान ने। लेकिन समस्या क्या है, वो सुप्त चेतना में है, सोई हुई है वो चेतना, उसको जागृत करना पड़ेगा। और जागृत कैसे करना पड़ेगा, जब तक कि कोई व्यक्ति स्पिरिचुअल एक्टिविटीज नहीं करता, क्योंकि जब तक हम स्पिरिचुअल एक्टिविटीज नहीं करते तब तक हमारा जो उत्साह है वो बहुत डाउन होता है, स्लो होता है। लेकिन जैसे ही हम भगवान का नाम लेना शुरू करते हैं, भक्तों के संपर्क में आते हैं, हम भगवद गीता का पाठ करते हैं, भागवतम को पढ़ते हैं, कीर्तन में नाचते हैं और भगवान को लिया हुआ भोग, जो भगवान को भोग लगाया गया है वो हम प्रसाद खाते हैं, तो हमारी चेतना वो जो सोई हुई है, प्रभुपाद जी कहते थे कि भगवान के लिए हमारे हृदय में समुद्र से भी गहरा प्रेम भरा हुआ है। हम सोच भी नहीं सकते कि हमारे अंदर कितना ज्ञान है, कितनी शक्ति है, लेकिन समस्या क्या है, वो चेतना सोई हुई है। इसलिए कृष्ण इस श्लोक में क्या बोल रहे हैं, हे उद्धव, जिस प्रकार से सूर्य उस अंधकार को हटाता है, मेरी अनुभूति उस जो वस्तुएं वहां पहले से हैं, यही कहा ना कृष्ण ने, जो वस्तुएं पहले वहां से हैं, सूर्य केवल अंधकार को हटाता है, वो वस्तुएं तो वहीं थी, उसी प्रकार से मेरी अनुभूति भी पहले से है, सब कुछ हमारे हृदय में, हम शाश्वत हैं, कभी हमारी मृत्यु नहीं होगी। आज डेथ को लेकर लोग कितने चिंतित हो जाते हैं ना, किसी को बोलो वेंटिलेटर पर डाल दिया तो परिवार वाले भी चिंतित हो जाते हैं, उसकी मृत्यु नहीं होगी, केवल शरीर छूटेगा, दूसरा शरीर मिल जाएगा, उसमें क्या है। भगवान बोलते हैं ना, जैसे वांसांसी जीनानी यथा विहाय नरो पुराणी, जैसे पुराने शरीर पुराने कपड़े फट जाते हैं, नया शरीर नए वस्त्र सिला लेते हैं हम लोग, तो उसी प्रकार से हम ज्ञान से भरे हुए हैं, पूरी शक्ति है हमारे अंदर, इतना चिप है, आपको कभी कभी अनुभव होगा, मान लीजिएगा प्रभु जी मेरे सामने बैठे हैं, प्रभु जी आप स्कूल में गए होंगे, आज से कितने साल पहले गए होंगे, कम से कम 50-60 साल पहले है ना, लेकिन आपसे अगर पूछा जाए जब आप पहली बार स्कूल में गए थे तो आपने क्या देखा था, कैसी फीलिंग थी, आज भी बता देंगे आप, है ना। मन क्या है कि उसको संचित कर लेता है, सब कुछ मन में डाउनलोड रहता है, हम तुरंत उसको रिकॉल कर लेते हैं, है ना, कितनी मेमोरी डाली है भगवान ने, सोचो हमारे अंदर कि सब हमारे सामने वो दृश्य प्रकट हो जाता है। इसका मतलब है हम चित्त से ज्ञान से भरे हुए हैं, शाश्वत हैं, ज्ञान से भरे हुए हैं और आनंद, ये हमारा प्रोडक्शन है जो इस संसार में नहीं मिलता। आनंद का मतलब क्या है, इसलिए हम एंजॉयमेंट ढूंढते हैं, है ना, हम हमेशा क्या कोशिश करते हैं कि हमें आनंद मिले, सुबह मिले, दोपहर मिले, शाम को मिले, ऑफिस में मिले, घर में मिले, बाजार में मिले, कोई ऐसी जगह नहीं होनी चाहिए जहां हमें आनंद ना मिले, सच बात है कि नहीं। हर व्यक्ति आनंद के पीछे है, है ना, लेकिन आनंद हमारे हृदय में इतना भरा हुआ है, इतना भरा हुआ है आनंद हमारे हृदय में
कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। और ये आनंद लेने के लिए आपको बाहर जाने की, बाहर की किसी की आवश्यकता नहीं है, वस्तु की, धन खर्चने की जरूरत नहीं है आनंद लेने के लिए। हम सोचते हैं कि अगर मॉल में जाएंगे ना तो बहुत आनंद मिलेगा, बहुत सारा बैंक बैलेंस होगा ना तो बहुत आनंद मिलेगा। हम सोचते हैं ना ऐसा, अरे पड़ोस में ना उनके पास धन है इसलिए वो आनंद कर रहे हैं। हम सोचते हैं ना ऐसा, अरे उनके पास ना मर्सिडीज गाड़ी है इसलिए वो आनंद कर रहे हैं। आनंद लेने के लिए बाहर की कोई वस्तु की आवश्यकता नहीं है, ये हमारा प्रोडक्शन, हम इस चीज से बने हुए हैं। तो कृष्ण इस श्लोक में उद्धव जी को यह बता रहे हैं, हे उद्धव अगर मेरी अनुभूति हो जाए, शक्तिशाली अनुभूति हो जाए, तो किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। इसलिए आप जानते होंगे जो हरे कृष्ण डिवोटीज बन जाते हैं वो चाय पीते हैं क्या? जैसे प्रभु जी ने कहा नहीं पीते, वो चाय नहीं पीते। सोचो, और आज की स्थिति में अगर किसी के घर में मेहमान आ जाए और उसे चाय मत पूछो, उसको चाय कलाकंद खिला देना, लेकिन वो जा करके घर में क्या कहेगा, अरे चाय की भी नहीं पूछा। लेकिन हरे कृष्ण डिवोटी चाय की नहीं। इसलिए प्रभुपाद जी कहते थे, देर आर सो मैनी प्रोडक्ट्स इन द मार्केट नाउडेज बट अवर कृष्णा कॉन्शियस डिवोटी डोंट अट्रैक्ट बाय देम। हरे कृष्णा का जब भक्त बन जाता है, हरे कृष्णा की अनुभूति जब भक्त को हो जाती है, तो वो आकर्षित नहीं होता। कई बार लोग कहते हैं कुल्लू मनाली चलेंगे, पहाड़ों में जाएंगे, वहां पर बर्फ देखेंगे। लेकिन अगर एक हरे कृष्ण के भक्त को कहा जाए चलो प्रभु जी वहां कुल्लू मनाली चलेंगे, वो कहेंगे पहाड़ देखकर मैं क्या करूंगा, बर्फ देख के क्या करूंगा, हमारे फ्रीजर में बहुत सारी बर्फ रहती है ना। क्योंकि उसे अनुभूति हो गई, अब उसे बड़ी अनुभूति हो गई। इसलिए कृष्ण गीता में बोलते हैं, विषया विनिवर्तन्ते निराह रस देहिनः रसवर्जम रसोपेस्तम परम दृष्ट्वा निवर्तते। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जिस प्रकार से एक छोटा बच्चा अगर खिलौने से खेल रहा हो और आप उस खिलौने को छीनोगे तो बच्चा क्या करेगा, चिल्लाएगा, रोएगा। लेकिन क्या उपाय है कि उसके हाथ में से खिलौना ले लें हम, उससे बढ़िया वाला खिलौना उसे दे दो, वो पहले वाले को ऐसे फेंक देगा, फट दूसरे को पकड़ेगा ना। हमारे हाथ में जो अभी खिलौने दिए गए हैं, ये छोटे छोटे खिलौने हैं, ये छोटी छोटी खुशियां हैं। कृष्ण भक्ति का जब मैजिक, जब कृष्ण भक्ति का जादू चलता है, तो व्यक्ति देखता है, रे वाह। जैसे कि श्रील प्रभुपाद जब अमेरिका में थे, तो उनसे वहां के पादरियों ने पूछा, वहां के पादरी आए प्रभुपाद जी के पास, स्वामी जी आप क्या कोई जादूगर हैं? जो जिन लड़कों को आपने हरे कृष्ण का भक्त बनाया है, ये तो हमारे कभी चर्च में घुसते भी नहीं थे, और आप कृष्ण के पीछे मतवाले हो गए हैं, दीवाने हो गए, नाच रहे हैं, आप कोई जादूगर हैं क्या, आपने कोई जादू चलाया है क्या? तो स्वामी जी, स्वामी प्रभुपाद अर्थात प्रभुपाद जी मुस्कुराते हुए कहने लगे, मैं कोई जादूगर नहीं हूं, मैंने कोई जादू नहीं किया है, लेकिन मेरा भगवान श्री कृष्ण के नाम में अटूट विश्वास है, पक्का नाम में अनुभूति है कि ये नाम ही है सब कुछ। अगर नाम का मैंने भजन किया, नाम के कीर्तन में मैं नाचा, तो निश्चित रूप से मेरी चेतना, जो मेरी अनुभूति, वो शक्तिशाली हो जाएगी। तो मैं शुरू में बता रहा था भक्तों को कि जिस प्रकार से एक सपेरा जब बीन बजाता है, सांप कहीं छिप कर भी रहता है तो वो बेचैन हो जाता है, सांप अपने आप तिल मिलाता हुआ उस सपेरे के पास जाता है, उसी प्रकार से इस समय जो हमारा हृदय है वो सांप के समान हो गया है। हमारा हृदय कैसा हो गया है? सांप के अंदर दो क्वालिटी होती हैं, एक बहुत क्रोधी होता है, जब सर बिल से निकलता है ना, जानते क्या सोचता है कि आज किसको डसूंगा, वो बिल से बाहर निकलते हुए कभी ये सोचता है किसको डसूंगा, कौन आएगा। और दूसरा, उसके अंदर द्वेष बहुत ज्यादा होता है। इसलिए शास्त्र कहता है जिस व्यक्ति में क्रोध बहुत ज्यादा होता है, द्वेष बहुत ज्यादा होता है, उसे डरना चाहिए, क्योंकि अगले जन्म में क्या बनने वाला है, सर्प की योनि में जाने वाला है वो व्यक्ति, क्रोधी और द्वेषी। तो उसी प्रकार से जब हरे कृष्ण कीर्तन किया जाता है ये इस मंदिर में, आपने देखा होगा 4:30 बजे आओ तो हरे कृष्ण चल रहा है, दोपहर में आओ तो हरे कृष्ण चल रहा है, शाम को आओ तो हरे कृष्ण चल रहा है, और सैटरडे की नाइट में भी आओगे तो हरे कृष्ण पूरी रात मिलेगा आपको यहाँ पर। और आजकल तो हमारे गुरु महाराज की, जिनकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, उनके लिए हम प्रार्थना के रूप में हरे कृष्ण कीर्तन कर रहे हैं एवरी डे थ्रू आउट द नाइट।
तो ये क्यों किया जा रहा है, ये क्या है ऐसी वस्तु, ये दो लाइनों में क्या है ऐसा? यही मैजिक है हरे कृष्ण का। ये ऐसा समझो जैसे कि अगर किसी लोहे में जंग लगा हो, आप उसको चुंबक के पास ले जाओ, क्या वो पकड़ेगा, कैच करेगा? क्यों नहीं पकड़ेगा? लोहे में क्या लगा है? जंग लगा है। लोहे में जंग लगा है इसलिए चुंबक के पास ले जा रहे हैं, कुछ होता ही नहीं है। लेकिन जब अगर लोहे का उसका जंग हटा दिया जाए और फिर चुंबक के पास लाया जाए तो एकदम क्या होगा, फटाक चिपक जाएगा, है ना, चिपक जाएगा। उसी प्रकार से अभी जो हम, जो कृष्ण इस श्लोक में बोल रहे थे कि पहले से सब कुछ है हमारे हृदय में, हम शाश्वत हैं, ज्ञान से भरे हुए हैं, आनंद में डूबे हैं अंदर से, लेकिन चेतना सुप्त हुई हुई है इसलिए उसको अनुभव नहीं कर पा रहे हैं। और ये कृष्ण कह रहे हैं कि आप अनुभूति करो इस बात की। तो इस मनुष्य जीवन का जो लक्ष्य है हमारा, वो हमारा कंसेप्ट क्लियर नहीं है। जैसे फुटबॉल का मैच हो और उसमें गोल बॉक्स नहीं बनाए जाए तो फुटबॉल मैच का कुछ होगा आकर्षण? बॉल को लिए घूम रहे हैं, कभी उधर ले गए कभी उधर ले गए, गोल बॉक्स आए नहीं। इसलिए जब तक किसी व्यक्ति का जीवन में कोई गोल नहीं होता कि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, क्यों मैंने जन्म लिया है संसार में, कभी सोचा आप भक्तों ने इस प्रकार से कि मैं संसार में क्यों जन्म लिया है, मैं कौन हूं? क्या मैं इसी घर का हूं जिस घर में रोज आकर के सो जाता हूं? नहीं, इस घर में नहीं हमें रहना, कुछ सालों से आए हैं, कुछ साल रहेंगे फिर निकल जाएंगे दूसरे स्थान में, फिर और किसी को बोलेंगे ये मेरे पिता हैं, ये मेरे पिता हैं। इसलिए कृष्ण गीता में बोल रहे हैं, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति ब्राह्म्यं सर्वभूतानि यंत्र आरूढानि मायायाः। कृष्ण कह रहे हैं गीता में अर्जुन को, हे अर्जुन, ईश्वर अर्थात मैं, ईश्वर सर्वभूतानां, जितने भी जीव हैं संसार में, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति, सबके हृदय में मैं रहता हूं। सोचो जो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक है, जो कण कण में निवास करता है, वो आपके कलेजे के पास ही रहता है, बिल्कुल पास में रहता है, लेकिन कितने पास और कितने दूर, कितने पास रहता है और कितनी दूर है, हम उसे जानते तक नहीं। हम सारा संसार जानते हैं, मोबाइल चलाना जानते हैं हम लोग आजकल, मोबाइल बच्चे भी छोटे, एक साल की बच्ची वो भी जानती है कैसे मोबाइल ऑपरेट करना है, लेकिन जो पास में है बिल्कुल कलेजे के पास कृष्ण खड़े हैं, उनको नहीं जानते। तो कृष्ण कह रहे हैं, तो मैं भी क्या करता हूँ, मैं भी कम स्मार्ट नहीं हूँ, वो लोग स्मार्टफोन के चक्कर में आ गए ना, तो मैं भी क्या हूँ, करता हूँ, ध्यान से सुनिए, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति ब्राह्म्यं सर्वभूतानि, मैं भी सबको भ्रमित कर दूंगा। क्योंकि परमात्मा देखते हैं कि जब कोई मेरी तरफ आता है तो मैं भी उतना ही आदान प्रदान करता हूं। अगर आपको मेरी चिंता नहीं है, अगर आपको मेरा चिंतन नहीं है, अगर आपको मुझसे प्रेम नहीं है, तो मैं भी क्या करूंगा, ब्राह्म्यं सर्वभूतानि, भ्रमित कर दूंगा और भ्रमण पे डाल दूंगा, चक्रव्यूह में डाल दूंगा, जन्म मृत्यु के चक्कर में भटकता रहे, कमा खूब धन, कमा खूब बैंक बैलेंस बना, खूब मेहनत कर, खूब पढ़ाई कर, क्या फायदा तेरी पढ़ाई का, जैसे डेथ होगी सारी डिग्री फाड़ के फेंक देंगे तुम्हारे घर वाले भी, उस चिता में ही फेंक देते हैं ना सारी डिग्रीज। तो कृष्ण कह रहे हैं ब्राह्म्यं सर्वभूतानि, कैसे घुमाता हूं मैं, यंत्र आरूढानि मायायाः, जिस प्रकार से किसी यंत्र पर आप सवार हो जाओ, ट्रेन में सवार हो जाओ, एरोप्लेन में सवार हो जाओ, तो वो एरोप्लेन वही लेके जाएगा, आप कितना ही चिल्लाओ। अगर आप ट्रेन में बैठ गए, बॉम्बे की ट्रेन में बैठ गए, आप चिल्लाते हो कि मुझे बॉम्बे नहीं जाना है, दूसरी जगह जाओ, तो ट्रेन आपको कहाँ लेके जाएगी, बॉम्बे लेके जाएगी, है ना। तो कृष्ण ये कह रहे हैं, इसलिए सारी जो शक्ति झोंकनी चाहिए इस मनुष्य जीवन का, जो गोल है, वो जो हमारा सनातन धर्म चीख चीख कर कह रहा है, वो ये है कि हु एम आई, मैं कौन हूं। आध्यात्मिक मोक्ष हमारा जीवन का लक्ष्य है। लेकिन जैसा मैं सपेरे का उदाहरण दे रहा था, ये हरे कृष्ण कीर्तन है उस बीन के समान है। जब बीन बजती है हरे कृष्ण की धुन की, और अगर आपने इसे ध्यान से सुन लिया,
आप भले ही आपके हृदय में कितना भी काम, क्रोध, द्वेष, मद मत्सरीय जितना भरा हो, वो सब साफ होना शुरू हो जाता है। जैसे मैंने कहा, जंग लगा लोहा कितना भी चुंबक को लेकर आओ कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर आप उस लोहे का जंग हटा दो तो चुंबक के पास लाएंगे तो साफ एकदम चिपक जाएगा। इसी कारण से लोग आज क्या कर रहे हैं, आनंद ढूंढ रहे हैं सब जगह पे, मॉल में इसलिए जाते हैं कि आनंद मिलेगा, बाजार में जाते हैं साड़ियां खरीद के लाते हैं, सूट खरीद के लाते हैं, आनंद मिलेगा, धन कमाते हैं, मेहनत करते हैं, आनंद मिलेगा, लेकिन आनंद नहीं मिलेगा, आनंद कम मिलेगा। कौन कौन जानना चाहता है आनंद कम मिलेगा? हाथ उठाइएगा। देखिए, आनंद तब मिलेगा जब आनंदमयो अभ्यासात, अर्थात कृष्ण का एक नाम है आनंदमयो अभ्यासात। कृष्ण कह रहे हैं आनंदमयो मुझसे आता है, अगर तुम मेरा अभ्यास करो, मेरे नाम का अभ्यास करोगे तो आनंद तुम्हें मिलेगा। आनंदमयो अभ्यासात, अगर तुम मेरा अभ्यास करोगे, मेरे नाम का अभ्यास करोगे तो आनंद मिलेगा, नहीं तो आनंद नहीं मिलेगा। सोचो, इसीलिए कहा जा रहा है कि आज टाइम मैगजीन जो वर्ल्ड की नंबर वन मैगजीन है, उसमें निकला है कि जापान और यूएसए में सबसे ज्यादा सुसाइड रेट है आज, और लेकिन अब सुनने में आ रहा है कि 2028 तक भारत नंबर वन हासिल कर लेगा इस मामले में, सुसाइड रेट में लगातार लोग आत्महत्या कर रहे हैं। देखिए, कनाडा देश के अंदर नियम है, अगर आप अपनी छत पर चढ़ोगे तो आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा पुलिस स्टेशन जाकर के, कि मैं आज अपनी छत की सफाई करूंगा तो मुझे अलाउ किया जाए। क्यों? क्योंकि वहां पर लोग छत पे केबल इसलिए चढ़ते हैं ऊपर से छलांग लगाने के लिए। सोचिए, सरकार को कानून बनाना पड़ा। इसका मतलब है कि जो आनंद है वो धन से नहीं है, वो जो आनंद है कपड़ों से नहीं है। अगर एक प्रभुपाद जी उदाहरण देते थे मछली का, अगर एक मछली को पानी से बाहर निकाल दो, उसको खूब बेसन का हलवा खिलाइए, स्वीट्स खिलाइए, उसे एसी में रखिए, गद्दे पे रखिए, उसके सामने मोबाइल भी बजा दीजिए, चाहे मछली कैसी रहेगी, तड़पती रहेगी ना, एकदम ऐसे रहेगी। लेकिन मछली को पानी में छोड़ दीजिए, उसे कुछ नहीं चाहिए। वही स्थिति हमारी है। हम सोच रहे हैं कि शायद मैं धन कमाऊंगा, मैं बहुत बड़ा मकान बनाऊंगा, सुंदर सुंदर रेडीमेड गारमेंट्स पहनूंगा, ये वाले पहनूंगा, वो वाले पहनूंगा, तो मैं शायद सुखी हो जाऊंगा। नहीं, कितने सारे एडवर्टाइजमेंट आते हैं आपके टीवी में, आते होंगे ना एड, कि अगर आप ये खरीद लो तो आप आनंदित हो जाओगे, ये पहन लो तो आनंदित हो जाओगे, इस शैम्पू से बाल धो लोगे तो आनंद हो जाओगे। किसी को आनंद हुआ आज तक? नहीं, क्योंकि हमारा जो स्वभाव है, हमें सबसे पहले जो कृष्ण बोल रहे हैं मेरी अनुभूति करके उसे जागृत करना है, और जब तक हम उसको जागृत नहीं करेंगे तब तक ऐसा नहीं होगा। देखिए, इस हरे कृष्ण कीर्तन ने क्या करके दिखाया, जैसे मैंने कहा ये बीन है वही वाली जो आपके जंग लगे हुए लोहे को साफ कर देगी, जिस चेतना को जिसने ढक रखा है उसको हटा देगी। हैदराबाद के अंदर प्रभुपाद जी आए, 1971 की घटना है, हैदराबाद में अकाल पड़ा हुआ था, उनके साथ में बहुत सारे अमेरिकी डिवोटीज भी थे, और वहाँ के गवर्नर वहाँ पर आए, प्रभुपाद जी से मिले और कहने लगे, स्वामी जी आप तो बहुत बड़े जगतगुरु हैं, पूरे संसार में प्रचार करके आए हैं, हमारे हैदराबाद में बहुत अकाल पड़ा हुआ है, आप कुछ कीजिए ना। तो स्वामी जी ने क्या कहा, हमारे पास एक ही हथियार है, और वो क्या हथियार है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो स्वामी जी ने भक्तों को कहा कि 72 घंटे यहाँ कीर्तन करो, और करीब 8 महीने से वहां एक बूंद नहीं गिरी थी, सूखा पड़ा हुआ था, सब लोग तड़प रहे थे। तो स्वामी जी ने जब कीर्तन प्रारंभ किया तो जानते क्या हुआ, पहला दिन गया 24 घंटे, दूसरा दिन गया 24 घंटे, सारे भक्त डर गए थे कि स्वामी जी कीर्तन में लगाए रखे हैं और बारिश नहीं आई तो क्या होगा। लेकिन जैसे ही 70 घंटे हुए, 2 घंटे के अंदर अंदर आकाश में इतने बड़े बड़े बादल आकर के जम गए, और जैसे ही कीर्तन की आहुति दी, धमाकेदार वहां पर वर्षा हुई हैदराबाद के अंदर, देखिए जबरदस्त वर्षा हुई।
तो सब लोग नाचने लगे और कहने लगे, स्वामी जी आपके इस कीर्तन में दम है। तो स्वामी जी ने बताया, वास्तव में ये हमने नहीं लिखा है, हमने नहीं लिखी ये दो लाइनें के भाई, ये शायद इन्होंने लिख ली हैं और ये इसी को गाते रहते हैं। ये किसका दिया हुआ मंत्र है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये स्वयं सारे गुरुओं के गुरु व्यास देव जी के द्वारा दिया गया ये मंत्र है। उन्होंने कहा, इति छोड़ शंकम नाम नाम कलि कलमश नासनम नाते पर दरो उपाय सर्ववेदेषु दृश्यते। ये जो 16 अक्षर का नाम है ना हरे कृष्ण मंत्र, इति छोड़ शंकम नाम नाम कलि कलमश नासनम, तो जो अनुभूति जो जिसको आपने सुना होगा ना, कई बार पढ़े लिखे जो होते हैं ना लेक्चरर, वो क्या बोलते हैं, यू नो यू राइज दिस सेल्फ रियलाइजेशन, द साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, ऐसे वर्ड सुने होंगे ना आपने। लेकिन सेल्फ रियलाइजेशन का हिंदी में क्या क्या बोलते हैं, आप में से कौन बताएगा? आत्म साक्षात्कार। तो साक्षात्कार का क्या मतलब होता है? इंटरव्यू, सीधा सा एक सरल सा है ना भाई, साक्षात्कार होगा, इंटरव्यू होगा, किसका? आत्म, अपना इंटरव्यू लेना है आपने, बस इसी का नाम है आत्म साक्षात्कार होना, अपने आप को जानना कि मैं कौन हूं। प्रभुपाद जी कहते थे सारी समस्या शुरुआत होती है अपनी गलत पहचान के कारण, सारी बीमारियों की शुरुआत होती है अपनी गलत पहचान के कारण। जब व्यक्ति ये सोचता है मैं ये शरीर हूं, तो सारी बीमारियां वहां से प्रकट हो जाती हैं। और कृष्ण भक्ति का जो जादू है, मैजिक है, ये जो हरे कृष्ण मंत्र का जो नाम है, ये आपको वो अनुभूति करा सकता है जिसकी मैं चर्चा कर रहा था कि हम पहले से बहुत ज्ञानी हैं। जैसे मैंने उन माता जी का एग्जांपल दिया, अमेरिका में 12 साल की उम्र में रवि गुप्ता नाम उस लड़के ने सारी सारी उस फिलॉसफी को, सारी शिक्षा को उन्होंने ध्वस्त कर दिया। अमेरिका में इससे बढ़कर कोई डिग्री नहीं थी, क्योंकि उसकी मम्मी ने क्या किया था, प्रेगनेंसी के टाइम में केवल गीता का पाठ किया था। सोचिए हमारे पास कितना बड़ा जादू, कितनी बड़ी मैजिक है। हम बच्चों को ट्यूशन भेजते हैं, बेटा पढ़ ले, और इतने सारे ट्यूशन्स, बेचारा स्कूल से आया, स्कूल से आते ही उसको रेस्ट नहीं, ट्यूशन के लिए भेज दिया, रात में आया, मम्मी पापा पढ़ो पढ़ो, उसको थोड़ी स्पिरिचुअल एक्टिविटी दो ना, उसका माइंड फ्रेश होगा। तो कृष्ण भक्ति का जो जादू है, ये ज्ञान से भर देता है हमें, हमें सेल्फ रियलाइजेशन कराता है। इस भक्ति से हमें खुद का पता चलता है कि मैं कौन हूं और क्या क्या मेरी ड्यूटीज हैं, किस पर मुझे ज्यादा फोकस करना चाहिए। इसलिए कृष्ण इस श्लोक में क्या बोल रहे हैं, सूर्य ऐसा नहीं करता कि कुछ चीजें प्रकट करता है। कृष्ण क्या बोल रहे हैं कि सूर्य पहले से वहां थी वो वस्तुएं, वो केवल उसको अपनी रोशनी से दिखाता है। उसी प्रकार से मेरी भक्ति भी जो पहले से है आपके अंदर, उसको प्रकट करता है। तो अगर आप ये कार्य नहीं करते तो आप स्वयं के शत्रु बनेंगे। इसलिए कृष्ण इसी उद्धव गीता में कह रहे हैं, हे उद्धव, जिस व्यक्ति को ये मनुष्य की शरीर एक नाव के समान है, आप मेरे पीछे बोलिए, ये मनुष्य शरीर एक नाव के समान है, और जो भगवान के संदेश वो फेवरेबल हवाओं के समान है, और जो शिक्षक है वो कर्णधार के समान है, अर्थात नाव को चलाने वाला है, फिर भी आगे बोलिए, अगर कोई मनुष्य शरीर की सारी सुविधाओं के होते हुए भी स्वयं का कल्याण नहीं करता है, उसे अपनी ही आत्मा का हत्यारा माना जाना चाहिए। ये भगवान श्री कृष्ण कठोर शब्द बोलते हैं। मैंने सब कुछ दिया जीव को, उसे ज्ञान दिया, उसे ऐसा सनातन शरीर दिया, उसे आनंद दिया, लेकिन वो ढूंढ कहाँ रहा है, शरीर के माध्यम से और शरीर से संबंधित से इस संसार में। कृष्ण कह रहे हैं कि हम इस संसार के वासी नहीं हैं, हमें इस संसार में बंद किया गया है। जैसे कोई व्यक्ति अगर जेल में बंद हो जाए तो उसका घर जेल नहीं है, उसका घर घर से बाहर है। भगवान कह रहे हैं कि तुम एक जेल में हो, इस जेल में सुख पाने का प्रयास वैसा ही है जैसे कैदी कहे कि मुझे यहाँ पर सुख सुविधाएं क्यों नहीं मिल रही हैं,
जेल में सुख सुविधाएं नहीं मिलती, जेल में केवल सुधारा जाता है। तो जो करेक्शन है वो ये है, इसका रिलेशन करना। तो कृष्ण भक्ति के इस कार्य से में पहला फायदा क्या हो बताया मैंने, आपको जो आपके अंदर सत चित्त आनंद की जो अनुभूति है वो बहुत तेजी के साथ होगी। कलयुग में सबसे परफेक्ट एग्जांपल है इस बात का ये, ठीक है, पहला लाभ। दूसरा लाभ क्या होगा, कृष्ण भक्ति की अनुभूति शक्तिशाली से आज हर व्यक्ति सुंदर दिखना चाहता है ना, सेल्फी का जमाना है ना, जहां भी जाएंगे पार्क में जाएंगे फोटो लेंगे, सुंदर सुंदर फोटो लेंगे और कहीं वीडियो बनाएंगे। देखिए अगर आप सचमुच में सुंदर होना चाहते हैं ना, इस संसार में कोई व्यक्ति बदसूरत नहीं है। कई बार लोग सोचते हैं कि मैं सुंदर हूं, वो नहीं नहीं, हर व्यक्ति, भगवान कभी किसी को बदसूरत बना ही नहीं सकते, हमने स्वयं को बदसूरत बना रखा है। लेकिन कृष्ण भक्ति की अनुभूति अगर आपने की, शक्तिशाली अनुभूति आपने प्राप्त की, तो कृष्ण जानते क्या बोलते हैं, उर्दू लैंग्वेज से आपने ये शब्द सुना होगा, खुदाए नूर, सुना है ये शब्द किसी ने? जब कोई व्यक्ति कृष्ण की अनुभूति करता है, भक्ति करता है, तो उसकी सुंदरता निखरने लगती है, बढ़ने लगती है। और इस बात का परफेक्ट एग्जांपल है वो मलेच देश के लोग, विदेशी लोग। पहले जिस समय प्रभुपाद जी 1965 में कीर्तन कर रहे हैं टॉमकिंसन स्क्वायर पार्क न्यूयॉर्क के अंदर, तो आप उस वीडियो को देखिएगा, कभी यूट्यूब में लिखिएगा कि टॉमकिंसन स्क्वायर पार्क 1965 प्रभुपाद कीर्तन, आप देखेंगे कि जो साथ में उनके लोग बैठे हैं ना, ऐसा लगेगा जैसे बब्बर शेर है, कोई चीता है, कोई हाथी है, ये मूछें यहां तक गई हैं, दाढ़ी यहां तक है, बाल यहां तक है, साथ में कुत्ते भी खड़े हैं, इतने बदसूरत। स्नान के लिए पूछा प्रभुपाद ने कि वेयर इज योर बाथरूम, वो बोले हमने तो स्नान घर बनाया नहीं, उसकी जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि सेंट छिड़क लो हो गया बस बाथरूम। लेकिन वही लोग जिस समय पर उन्होंने कीर्तन में नाचे, इसका भजन किया, तो उन्होंने स्वामी जी से पूछा, स्वामी जी देर इज सम रूल रेगुलेशंस, वी वांट बिकम योर डिसाइपल। और प्रभुपाद जी ने क्या कहा, दिस इज द डे विच आई एम वेटिंग फॉर व्हेन यू विल आस्क मी दैट देर इज सम रूल एंड रेगुलेशंस, यही वो दिन का मैं इंतजार कर रहा था कि आप मुझसे कब पूछोगे कि कोई नियम नहीं है क्या। तो हरे कृष्ण जब कोई कीर्तन करता है, हरे कृष्ण कीर्तन में जब कोई नाचता है, उसको योगा ये प्रैक्टिस शरीर के स्वास्थ्य के लिए जरूरत नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि जैसा खाया अन्न वैसा हुआ मन, तो वो सुंदर दिखने लगता है। और वहां पर प्रभुपाद जी ने लिखा है कि जिस प्रकार से जिस समय विदेशी लोगों ने हेड शेव किए, कंठी माला पहनी, सुंदर तिलक धारण किया और लाल कपड़े पहने, उन्होंने हाथ में थैली ली, तो जानते कैसा नजर आ रहा था? प्रभुपाद जी ने कहा ऐसा लग रहा जैसे वैकुंठ से उतर कर आ रहे हैं ये लोग, वही लोग। तो इसलिए कृष्ण भक्ति का जो अनुभूति है, शक्तिशाली जो अनुभूति है, उससे आपका ज्ञान बढ़ेगा, आपकी सुंदरता बढ़ेगी, आपका जो आनंद है उसमें इतनी वृद्धि होगी। कितनी वृद्धि होगी, श्लोक में बताया जा रहा है, चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम श्रेय कैरव चंद्रिका तृणम विद्यावधु जीवनम आनंदाम बुद्धि वर्धनम प्रतिपदम पूर्ण अमृत स्वादनम। समुंदर जितना आनंद हमारे हृदय में भरा हुआ है, लेकिन हम ढूंढ कर रहे हैं, शायद नई फिल्म जो आई है, नया सीरियल आया है, इसमें हमें आनंद मिलेगा, इसको देखते हैं, है ना, उससे आनंद नहीं मिलेगा। आनंद हमारे अंदर खुद भगवान ने हमें दिया है, यही कृष्ण उद्धव को बोल रहे हैं इस श्लोक के अंदर। हे उद्धव, जिस प्रकार से सूर्य जो पहले वस्तु में वहां थी, केवल अंधकार हटाता है, सब कुछ है, उसी प्रकार से मेरी भक्ति भी जो सब कुछ आपके हृदय में है, उस अंधकार को हटाती है, उस आपके डायरेक्शन को सही दिशा में लाती है। तो सोचिए, जब भक्त कीर्तन में जो नाचता है, जो भगवान के सामने नाचता है, उसे संसार के सामने नाचना नहीं पड़ता, जो भगवान के सामने रोता है, उसे संसार के सामने रोना नहीं पड़ता, ऐसा हमारा स्क्रिप्चर कहता है। तो जब भी मंदिर में आए,
तो हालांकि कई बार लोग ना मंदिर में प्रचून की लिस्ट लेके आ जाते हैं बहुत लंबी कि प्रभु मेरा ये हो जाए, नौकरी मिल जाए, छोकरी मिल जाए, प्रभु मेरा ये मिल जाए, मकान निकल जाए, लॉटरी निकल जाए। उनको जानते क्या मांगना चाहिए? प्रभु आप चाहिए मुझे, बस और कुछ नहीं चाहिए। अगर आप भगवान को मांग लोगे जैसे अर्जुन ने क्या मांगा, भगवान ने कहा निहत्था हूँ, युद्ध भी नहीं करूँगा, और दुर्योधन एक तरफ मेरी सेना है बहुत सारी। तो जो व्यक्ति भगवान से कुछ कुछ मांगते हैं वो किसकी पार्टी के हैं? दुर्योधन की पार्टी के हैं। और अर्जुन भक्त है, उसने क्या कहा? प्रभु आप चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। जब भगवान को मांगते हैं तो भगवान कहते ठीक है मेरा फिर नाम लो आप, क्योंकि नाम और नामी में कोई अंतर नहीं है। यहां पर नाम चिंतामणि श्री कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो अभिन्न तुम नाम नामिनो। नाम और नामी में कोई अंतर नहीं है यहां पर। अगर आप कृष्ण का नाम ले रहे हो इसका मतलब कृष्ण आपकी जिह्वा में उपस्थित हैं। इसलिए कृष्ण बोलते हैं नारद जी को, नाहम तिष्ठामि वैकुंठे, हे नारद मैं वैकुंठ में नहीं रहता हूं। फिर कहां रहते हैं प्रभु आप? नाहम तिष्ठामि वैकुंठे योगी नाम हृदयेषु पीवा, और ना मैं योगियों के हृदय में रहता हूं जो ध्यान लगाकर बैठे रहते हैं। फिर कहां रहते हैं प्रभु आप? तत्र तिष्ठामि नारद यत्र गायन्ति मद भक्तो, हे नारद मैं वहां रहता हूं जहां मेरे भक्त मेरा जप करते हैं, कीर्तन करते हैं, मेरी कथा करते हैं, मैं वहां निवास करता हूं। तो सोचिए हमारे इस हरे कृष्ण मंदिर के अंदर यही एक सबसे बड़ी योग्यता है, सबसे बड़ा अट्रैक्शन है हमारे मंदिर का कि यहाँ पर हमेशा कीर्तन चलता रहता है, कथा चलती रहती है ना। आप 4:30 बजे आओगे तो भी डांस चल रहा है, कीर्तन में लोग नाच रहे हैं, एक्सरसाइज सारी हो जाती है। जितनी एक्सरसाइज हम बाहर करते हैं आप कीर्तन में उछल उछल के नाच लीजिएगा, आप देखेंगे आपका सब कुछ नॉर्मल है। क्यों? क्योंकि आप नाचते नाचते आनंद भी ले रहे हैं, है ना। जब कीर्तन में भगवान के समय सामने नाचा जाता है तो बहुत दिव्य आनंद की अनुभूति होती है। बाहर में तो लोग कब नाचते हैं? जब वो कुछ थोड़ा मदिरा पान कर लें तब नाचते हैं। आखिरी जो सबसे इंपॉर्टेंट है आज की, जिसके पीछे सब लगे हुए लोग, और वो है धन। अगर आप हरे कृष्ण भक्ति करना प्रारंभ कर देते हो तो मैं स्टैम्प पेपर पे लिख के दे सकता हूँ, और किसी को अगर विश्वास नहीं हो तो मुझसे 1 महीने बाद आकर मिले, उसके बैंक बैलेंस बढ़ना शुरू हो जाएगा। अगर आप हरे कृष्ण मंत्र का जप करते हो और भक्ति के नियमों का पालन करते हो तो आप आकर अनुभूति करके देखिएगा, टेस्ट ड्राइव लेके देखिएगा। कृष्ण बोल रहे हैं गीता में, ये चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकीर्तन अर्जुन आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी चा भर्तृषभा। क्या बोल रहे हैं? आर्त का मतलब है दुखी। हे अर्जुन ये व्यक्ति मेरा भक्त बन सकता है जो दुखी है। आर्त जैसे ये आरती जो दी जा रही है इसका मतलब क्या है? भगवान का दुख बांटा जाता है। वो लोग भीड़ में कई बार जंप करके लेते हैं, अरे आरती मुझे नहीं मिली। ये आरती जानते क्या है? आर्त से आरती बना है। भगवान का कलेश दीपक में उतार करके लोगों को बांटा जाता है, ये लो आप भी दुख थोड़ा। लेकिन भगवान का एक ही दुख है, और वो क्या दुख है? कि मेरे बच्चे मेरे घर लौटें। अगर किसी का बच्चा घर से बाहर चला गया हो, घर छोड़ करके चला गया हो, तो माता पिता कितना भी आइसक्रीम खिलाओ तो खाएंगे क्या? वो कहेंगे नहीं नहीं मेरा बच्चा अभी घर से बाहर है, मैं कुछ नहीं खाऊंगी। वही हालत भगवान की है। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि अगर किसी की एक उंगली काट दी जाए तो उसको बहुत पेन होगा। उसी प्रकार से भगवान को बहुत पीड़ा होती है, बहुत दर्द होता है जब उनके बच्चे यहाँ पर 10-10 रुपये 100-100 रुपये कमाने के लिए कितनी मेहनत करते हैं, धन जोड़ने के लिए कितना प्रयास करते हैं, दुकानों में जाकर कितना जिगजैग करते हैं। वो किसके बेटे हैं? माधव के बेटे हैं। माधव का मतलब लक्ष्मी के पति के बेटे होकर के यहाँ संसार में जूझ रहे हैं। भगवान बोल रहे हैं ना, मन सृष्टानी इंद्रियाणी प्रकृति स्थाने कर सती, दुर्गा देवी की जेल में चले गए ये लोग मेरे बेटे होकर के भी। और मन सृष्टानी इंद्रियाणी, मन से 6 इंद्रियों से यहाँ घोर संघर्ष कर रहे हैं। तो अगर आपने कृष्ण भक्ति के नियमों का पालन किया तो मैंने कहा क्या, आपका जो बैंक बैलेंस है वो अपने आप बढ़ना शुरू हो जाएगा। लोग सोचते हैं कि शायद मेहनत करने से धन आता है, पढ़ाई करने से बहुत धन आता है, सेकेंडरी है वो। गीता में एक श्लोक है, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं,
18वें अध्याय का 14वें श्लोक में कृष्ण ने कहा, अधिष्ठानम तथा कर्ता कर्णम च पृथक विदम विविदास्य पृथक चेष्टा देवम च वात्र पंचमम। हे अर्जुन, अगर मैं प्रसन्न नहीं हूं, व्यक्ति सारा दिन मेहनत करता रहे कुछ नहीं मिलेगा उसे, और अगर मैं प्रसन्न हो जाऊं तो उसे बैठे बिठाए धन मिलेगा। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास। आप सबसे ज्यादा बड़ा एग्जाम्पल तो एक यहाँ ले सकते हैं, ये महिपालपुर के पास में एक है शौकीन प्रॉपर्टीज करके, वो मेरी कक्षा में पढ़ता था। आज भी मैं उसको बोलता हूँ ना कि मोबाइल में मेरा नंबर फीड करो, कह रहा है आता नहीं है। और जब उसकी बेटे की शादी हुई तो 65 करोड़ की उसने गाड़ी दी है। देखिए वो कहाँ से आ गया पैसा उसके पास। और लिखना पढ़ना कुछ नहीं जानता, अंगूठा छाप है अभी भी। 65 करोड़ की तो उसने अपनी बेटी की गाड़ी उसमें दी है डोनेशन, उसमें दहेज में होने वाले दामाद को 65 करोड़ की कार कहाँ से आ गई वो। इसका मतलब है कुछ और ही है नज़ारा। इसलिए हम कम से कम जो भारत में जन्म लिया है, जिन लोगों ने भारत देश में जन्म लिया है, क्योंकि देवता भी तरसते हैं ऊपर। श्रीमद् भागवतम के 5वें स्कंद में लिखा है, देवता लोग कह रहे हैं, हे प्रभु अगर हमारा कोई पुण्य शेष हो तो हमें पृथ्वी लोक में एक देश है जिसका नाम भारत है उसमें जन्म देना, क्योंकि वहां पर आप स्वयं आते हो, आपकी कथाएं होती हैं, आपकी लीलाएं होती हैं, और अगर हमने वहां जन्म लिया तो हमारा भी कुछ उद्धार होने के चांसेस हैं, नहीं तो हम लोग भी मलेच बन जाएंगे। वही ऐसे कपड़े पहनेंगे, ऐसा भोजन करेंगे, कुछ पता नहीं अगली योनि में कहां जाना पड़ेगा उसके बाद। तो इसलिए अगर आप धन कमाना चाहते हो, आप कुछ टिप्स जानना चाहोगे शायद मुझसे कि कैसे धन आता है, लेकिन प्रभु जी क्योंकि अनर्थ निवृत्ति हो जाती है, आपके जो बेकार के खर्चे हैं ना, फजूल खर्चे जिसे कहा जाता है, वो सब बंद हो जाएंगे। और आप ये पूछोगे मैं धन कहाँ खर्चा करूँ। मेरे ऑफिस में जब मैं ऑफिस में जाता हूँ, मेरे ऑफिस में एक प्रभु जी तो यहीं सामने बैठे हैं मेरे, जो हमारे ऑफिस के ही हैं मैं जब ऑफिस में जाता हूँ, लोग कहते हैं काम कैसा हाल चल रहा है, मैंने सब कहते हैं काम बिल्कुल नहीं है, इनकम बिल्कुल नहीं है, और मुझसे पूछते हैं, मैंने कहा बहुत बढ़िया काम चल रहा है, पता नहीं कहाँ खर्चा करें, धन जुड़ता ही जा रहा है, बैंक बैलेंस बढ़ता ही जा रहा है, और लोग पागल हैं। देखिए संडे को भी काम करते हैं, मैं उनको बोलता हूँ अपने बॉस को कि संडे इज माय स्पिरिचुअल डे, आई विल नॉट डू एनीथिंग। वो बोलते हैं नहीं नहीं कुछ तो करना चाहिए, संडे के दिन भी बहुत, संडे के दिन बहुत लोग घर में मिलेंगे, ग्राहक हैं, आप जाइए कॉन्टैक्ट कीजिए। मैंने कहा नहीं, क्योंकि हम किसके बच्चे हैं, माधव के, माधव मीन्स जो लक्ष्मी के पति हैं। अगर आप माधव को प्रसन्न कर लेंगे तो लक्ष्मी देवी खुद चल कर आएगी, कहेगी ये लो ना कुछ थोड़ा धन ले लो। लोग चाहते कि नहीं नहीं लक्ष्मी जी आ जाए, राम जी चले जाए है ना, यही भाव रावण का था, वो सीता को चुरा करके ले जाना चाहता था, आज संसार चुरा करके ले जाना चाह रहा है धन, और राम जी आप रहो अयोध्या में, हमें सीता दे दो, धन दे दो, वो नहीं मिलेगा। आप राम जी की भक्ति करो, माता सीता खुद आपके लिए लक्ष्मी बनकर आपके पास आएगी। तो टिप्स क्या है, देखिए अगर आप हरे कृष्ण के भक्त बन गए तो आपका होटल में खाना बंद अपने आप ही हो जाएगा, क्योंकि जब आप उन रेस्टोरेंट के बनाने वालों का चेहरा देखोगे आप कभी भी नहीं खाओगे। जो लोग बीड़ी पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, शराब पी रहे हैं, प्याज लहसुन खा रहे हैं, उनके हाथ का बना हुआ भोजन, हम लोग जब शादियों में जाते हैं हलवाइयों की शक्ल देखते हैं तो हम कहते हैं नहीं नहीं बस जूस है वो दे दो और कुछ नहीं खाना, कौन खाएगा उन लोगों के हाथों का। और सबसे बड़ा नुकसान क्या, उनके सबके कर्म आप खा करके आते हो, जब पकाया जाता है वो कर्म, जब परोसा जाता है उस व्यक्ति का कर्म, सब आप खा लेते हो, और फिर हम कहते हैं हमने तो किसी का बिगाड़ा नहीं, हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। क्यों? क्योंकि आपने ऐसे लोगों के हाथों से खाया, बिना भोग लगा खाया, तो सबका कर्म आपने खा लिया, अब आप भुगतना आपको पड़ेगा ना। इसलिए कृष्ण भक्ति का जो अनुभूति है ये इंसान को ऐसा बनाएगी जो डायमंड से भी आगे बढ़ जाएगा, चलता फिरता एक ऐसा डायमंड जो अपनी छाया से न जाने कितने लोगों को प्रकाश प्रदान करेगा। तो मैंने क्या बताया, रेस्टोरेंट में खाना बंद हो जाएगा, आपको हाथ अच्छा ही नहीं लगेगा, लहसुन प्याज खाना बंद हो जाएगा आपका, प्याज कितने भी आसमान में चला जाए, कई बार नेता लोग भी प्याज माला पहन के जाते हैं ना, प्याज इतने भाव कैसे बढ़ गए, हम कहते हैं 500 रुपए किलो हो जाए तब भी कोई चिंता नहीं है, हम लोग को खाना ही नहीं है, क्योंकि तामसिक आहार, हमारे जो सूक्ष्म तंतु हैं, जो चित्त है हमारा,
उसको भ्रष्ट कर देते हैं। हालांकि आयुर्वेद कहता है कि ये शरीर के लिए फायदेमंद है, लेकिन सूक्ष्म जो तंतु हमारे माइंड के लिए नुकसानदायक है। तामसिक आहार जैसे चाय, उसमें निकोटीन है, कॉफी में कैफीन है, ऑटोमेटिकली छूट जाता है। जैसे ही हरे कृष्ण की शरण में आए, आप अपने आप ही छोड़ दोगे ये सब चीजें, चाय, कॉफी, ऑनियन, गार्लिक, कितने भी चाय के रेट 1000 रुपए किलो हो जाए, भक्त को कोई असर पड़ेगा? आपका धन ऐसे बचना शुरू होगा, आप कहोगे प्रभु जी कोई खर्चने का कोई जगह नहीं है, कहाँ खर्चे, और धन आता जा रहा है बस। संडे के दिन संडे लव फीस्ट होता है हमारा, जैसे आज हमने चालू किया संडे लव फीस्ट। मॉर्निंग में आइए मंदिर में, भागवत कथा सुनिए, बेस्ट खाना आपको खिलाया जाएगा। 12 बजे आइए, बेस्ट खाना खिलाया जाएगा। यानी कई डिवोटीज मुझे कहते हैं कि प्रभु जी हम तो संडे के दिन रसोई में जाते ही नहीं है, क्योंकि इस्कॉन मंदिर चले जाते हैं, वहाँ कीर्तन कथा करते रहते हैं और प्रसाद लेते रहते हैं। तो सोचिए कितना खाना आपका बचेगा। और मॉर्निंग में अगर आप हर रोज भागवत कथा सुनने आ गए तो एक टाइम का खाना हमारे ऊपर आ जाएगा सबका, है ना। मैं इतने सारे पॉइंट्स गिना सकता हूँ, आप कहोगे अरे कमाल है, मतलब आपको धन जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके बैंक में बैलेंस बढ़ता जाएगा, आपका टीवी का खर्चा खत्म, केबल टीवी का खर्चा खत्म। क्योंकि केबल टीवी में वो जो दिखाया जाता है, जो भी आजकल चैनल्स में दिखाया जाता है, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। देखिए मैं ऐसे प्रोफेशन में हूँ जिसको मुझे हर मिनट में टच में होना चाहिए मार्केट में चल क्या रहा है। मैं भी आपकी तरह से ही हूँ, ऐसा नहीं कि वो कोई बिल्कुल पूरी तरह फुल टाइम जॉब है, लेकिन मैंने समाचार सुने हुए, कोई भी न्यूज़ सुने हुए कम से कम 24 साल हो गए, 24-25 साल से मैंने कोई आज तक चैनल सुना नहीं, और फिर भी मेरा बिजनेस फर्स्ट क्लास है, कोई ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन लोग कहते नहीं नहीं अपडेट रहने के लिए पहुँची वो करना पड़ता है ना, तो सारा चैनल देखने पड़ते हैं इसीलिए। तो इसलिए इतने सारे टिप्स हैं कि आपके धन बचना शुरू हो जाएगा। तो कृपा करके इस अनुभूति को इंक्रीज कीजिएगा, जो कृष्ण भक्ति का जो असली खजाना है, जो भगवान ने आपके हृदय में दिया है, जहां भगवान स्वयं खड़े हैं आपके हृदय में। कृष्ण बोल रहे हैं, देखिए कृष्ण ने क्या कहा, सर्वस्य चामृति सन्निविष्टो मत्ता स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम चा। इतना ज्ञान जो तुम्हारे हृदय में भरा है अर्जुन, मैं उसको जागृत कर दूंगा, आपको सब याद दिला दूंगा, अगर मेरी अनुभूति हो गई तो, और नहीं तो क्या करूंगा। दो शब्द के हैं कृष्णा ने, देखिए सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च। अपोहनम का मतलब मेरी अनुभूति नहीं की तो सब भुला दूंगा। सब भुला दूंगा, आपको ये तक पता नहीं होगा मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, मैं क्यों मेहनत करता हूं, मैं क्यों दुख भोग रहा हूं। लेकिन अगर आपने मेरी अनुभूति की तो सब याद दिला दूंगा। तो लोग क्या सोचते हैं, आमतौर पर लोगों का जानते क्या कहना है कि देखो भक्ति करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन भक्ति तब करनी चाहिए जब सब काम से निवृत्त हो जाए, तब बस भक्ति करनी है। ये रहस्य नहीं जानते, अगर आप भक्ति करोगे तो सारे काम निवृत्त से हो जाओगे, है ना। अगर आप भक्ति चालू कर दोगे, भगवान का नाम भजन चालू कर दोगे, कृष्ण सारे काम की जिम्मेदारी आप ले लेंगे। अगर आपके काम कृष्ण करें वो अच्छा है, या आप स्वयं करो वो अच्छा है, कौन सा अच्छा है माता जी? सारे काम कृष्ण पर छोड़ दो कि प्रभु आप संभालिए, मैं आपका नाम लूंगा। फिर आपको कृष्ण ऐसी मति देंगे कि आप अपना काम बड़े ही फॉल्टलेस तरीके से करोगे। किसी से भी अगर किसी से झगड़ा भी होगा तो बड़े मीठे शब्दों में झगड़ोगे, बड़े मीठे मीठे शब्द बोलोगे उससे। जो भी काम करोगे सिस्टमैटिक करोगे, आपका शेड्यूल होगा। तो बहुत सारे इसके लाभ हैं जिसको हम नहीं अपना रहे हैं, इसलिए भगवान ने क्या कहा, जो इस अवसर का लाभ नहीं उठाता है उद्धव, वो व्यक्ति अपनी ही आत्मा का हत्यारा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम विराम करेंगे। मेरे साथ बोलिए हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे, हरे कृष्ण संकीर्तन यज्ञ की जय। एक क्वेश्चन मैं ले सकता हूँ, अगर किसी का प्रश्न है तो एक प्रश्न पूछ सकते हैं, एनी डाउट्स? यस माता जी, हाँ
बहुत अच्छा, माता जी ने बिल्कुल व्यावहारिक क्वेश्चन पूछा है कि माता जी कह रही है मैं पिछले पाँच सात हफ्ते से जपा शुरू किया है और 10 माला का जप कर रही हूँ, लेकिन जब मैं जप करती हूँ तो मन कहीं दूर दूर चला जाता है। डजंट मैटर माता जी, जैसे कि बच्चे को जब दवाई दी जाती है तो पिता मम्मी क्या करती है, उसको टीवी ऑन कर देती है या हाथ में मोबाइल दे देती है और दवाई दे देती है। इसका मतलब क्या है कि दवाई अंदर जानी चाहिए। आपने इसमें एक ही बात का ध्यान रखना है कि जब हम मुख से जो बोल रहे हैं ना वो कानों में जाना चाहिए बस, क्योंकि कान का कनेक्शन भगवान ने हमें हार्ट से दिया है। जो कानों में जाता है वही हार्ट तक पहुंचता है। तो आप अभी क्योंकि आपने जस्ट स्टार्ट किया है, यू विल फील वेरी सून, आप बहुत जल्दी फील करोगे कि जो आनंद है उसकी शुरुआत हो रही है। आप तुलसी के पास बैठ के कीजिए पहला, क्योंकि तुलसी की जो वाइब्रेशन है, प्रभुपाद जी का चित्र रख सकते हैं और सुन के कीजिएगा और थोड़ी इतनी जोर से कीजिएगा ताकि आपकी आवाज़ कानों तक पहुँचे। क्योंकि कई बार भक्त लोग जपा करते हैं तो मन मन में करते हैं, मन में नहीं करना है इसको, इतनी जोर से करना कि कानों तक आवाज जाए और फोकस सारा इसी पर रखना है कि कान में आवाज पहुंचे। और कैसे पहुंचे, प्रभुपाद जी कहते हैं जैसे एक छोटा बच्चा अगर मान लीजिएगा ऐसे रो रहा हो तो मम्मी क्या करेगी, नाटक कर रहा है। अगर बच्चा चिल्ला करके रोना शुरू कर दे तो मम्मी चाहे आटे में उसके हाथ हों जल्दी से धोके उसको गोद में उठाएगी। तो हमारे प्रभुपाद जी कहते हैं जब आप भजन करो तो भगवान को पुकारना चाहिए हृदय के साथ, हे प्रभु मैं संसार की सेवा करते करते थक चुका हूँ, कृपा करके हे कृष्ण मुझे अपनी सेवा में लगाइए। तो जब हम पुकारेंगे भगवान को तो भगवान चाहे कितने भी पेशेंस में हों लेकिन सारे कार्य छोड़कर भगवान उसको गोद में उठा लेते हैं उसी मम्मी की तरह से। तो आपको जब में केवल फोकस करना है कानों में आवाज़ जाए और पुकारने के भाव से जाए, क्योंकि न जाने हम कब से भगवान से विमुख हैं, कितने जन्म बीत गए हैं, कब से हम यहाँ पर हैं। अगर हमने इस जन्म में ध्यान नहीं दिया तो कृष्ण क्या करेंगे, किसी और योनि में डाल देंगे और फिर ये अवसर भी हाथ से चला जाएगा। इसलिए भगवान कहते हैं त्रायते महतो भयात, मैं महान भय से रक्षा करूंगा। एक श्लोक है 2.40, नेहा बिकर्म नासो अस्ति ही प्रतिवायो न विद्यते स्वल्पम अप्यस्य धर्म से त्रायते महतो भयात, मैं महान भय से रक्षा करूंगा थोड़ी सी भी भक्ति की। तो आपने पुकारना है कानों में आवाज जाए, और प्रभुपाद जी कहते थे इट्स ए ग्रेजुअल प्रोसेस बिकॉज सो मैनी लाइफ टाइम्स, कितने जन्मों से हम संसार में भटक रहे हैं और अभी हमने अगर 5-7 हफ्ता से शुरू किया है इट विल टेक सम टाइम। तो आपका इसका मतलब ये जरूर है आपका वो जो जंग है लोहे का वो चालू हो गया है हटाना, ठीक है। हरे कृष्णा, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गोपी मनंदे, हरि हरि बोल। द्वारका लाइव सुनिएगा तो हर रोज आप क्लासेस मिलेंगे। यस यस यस, आप जूम लिंक ले सकते हो माता जी, मेरा जूम लिंक में मैं जूम में कर रहा हूँ मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे 3 डेज, आप उसमें आ सकते हैं। मॉर्निंग में आता है